बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर इसका लेक्चर 1 हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, उसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी लेक्चर 1 हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 20th सेंचुरी ट्रीटमेंट, यानी 20वीं सदी के अंदर मेंटल इलनेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता था। तो यहाँ पे असाइलम्स की बात है। मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को असाइलम्स के बारे में बताया था कि कुछ असाइलम्स हुआ करते थे, मेंटल हॉस्पिटल्स भी उन्हें कहते थे, पागलखाने। उनमें जितने भी मेंटली इल लोग होते थे तो उनको अलग करके वहाँ पर रखा जाता था, लॉन्ग स्टे वहाँ पर उनकी करवाई जाती थी। तो यहाँ पे 20वीं सदी के अंदर इन असाइलम्स के लिए लोगों का जो है वो व्यूज़, जो है लोगों का कंसेप्ट जो है वो कुछ अजीब बनने लगा। लोग जो है इसको पसंद नहीं करने लगे। वहाँ पे उस टाइम ऐसा हुआ करता था कि इस तरह ये असाइलम्स बना के वहाँ पे मेंटली इल जो लोग होते थे तो उनको डिस्प्ले किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, इस तरह के बिहेवियर शो करते थे तो उनको डिस्प्ले किया जाता था, और लोग वहाँ पर जिस तरह ज़ू में जाते हैं इसी तरह वहाँ पर विज़िट करने जाते थे, और उन असाइलम्स वालों को फिर उसके चार्जेस भी करते थे। तो जिस तरह ये बहुत सारे लोग जो है कई कई जगहों से इन असाइलम्स को विज़िट करने आते थे, तो आते आते जिस ये असाइलम्स कम्युनिटी में होते थे, कोई एक कम्युनिटी है तो वहाँ पे एक असाइलम बनी हुई है इसी तरह, तो वो ज़्यादा लोग जब आते थे तो इधर उधर वो इनको देखने के लिए आते थे, तो इधर उधर वो झांकने लगे, किसी की जो है वो घर के दीवार से दीवार पे छड़ के वहाँ पे देखने लगे। इस तरह परेशानियाँ जो है वो लोगों के लिए बढ़ने लगी। तो फिर लोगों ने क्या कहा, वहाँ पे निम्बे सिंड्रोम जो है वो डेवलप हुई। निम्बे सिंड्रोम, NIMBY, निम्बे सिंड्रोम का मतलब ये है कि नॉट इन माई बैकयार्ड, यानी उन लोगों का कहना था कि ये जो असाइलम्स है, अगर ये माना कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जो मेंटली इल पेशेंट होते थे तो उनको अलग करके यहाँ पर रखा जाता है, अगर ये अच्छे प्लेसेस भी है उनके लिए बेहतरी इसमें है, लेकिन फिर भी ये हमारे जो है वो करीब नहीं होने चाहिए। नॉट इन माई बैकयार्ड मीन्स कि हमारे करीब, हमारे घरों के करीब ये नहीं होने चाहिए, उनका ये कहना था। देखिए लिखा है, असाइलम्स व्यूड बाय पब्लिक एज एरे स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। लोग जो है वो असाइलम्स को इस तरह देखने लगे कि उनको असाइलम्स जो है अजीब दिखते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था ये असाइलम्स देख के, और वो इससे फ्राइटनिंग उनको फील होती थी, वो इनको खौफनाक समझते थे कि यहाँ पे इस तरह मेंटली जो एग्रेसिव पीपल है उनको रखा जाता है तो कभी भी जो है वो बाहर आ सकते हैं, कम्यूनिटी में वो मारपीट कर सकते हैं, इस तरह खौफनाक जो है इनको लगने लगे थे। अगर हम बात करें इन असाइलम्स के अंदर ट्रीटमेंट की, तो सब्सटेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स, ये दिन ब दिन जो है ये असाइलम्स ज़्यादा होते जा रहे थे। यहाँ पे इन मेंटली इल पेशेंट का लेंथी स्टे होता था, यानी अपने कम्युनिटी से, अपने घरों से दूर, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो मेंटली इल डायग्नोज होता था तो उसे ले जाके यहाँ पर रखा जाता था, उनको मैकेनिकली रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, तो वो उनके लिए मज़ीद जो है वो मेंटल डिस्टर्बेंस पैदा करती थी, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट को अभी हमारा जो कंसेप्ट है इस दौर का, तो उसके मुताबिक इसी तरह करना चाहिए कि उसे जितना हो सके उतना उसको रिहेबिलिटेशन उसकी करवानी चाहिए, उसको उसके कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह उसमें उसको जो है मज़ीद उसको बेहतरी की तरफ ले जाना है, कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको देने चाहिए, उसको सोसाइटी में लोगों के साथ एडजस्ट करवाना चाहिए ताकि वो मेंटली ठीक हो सके। तो ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी कि इन लोगों को ले जाके यहाँ पे लेंथी स्टे की करवाते थे, तो ये अपने घरों से दूर, सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से दूर, इनको मज़ीद जो है वो मेंटल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता था, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट थी वो भी लिटिल इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट थी। फिर इसके बाद 1946 से लेके 1963 तक कुछ मेंटल हेल्थ सर्विसेज के व्यूज़ जो है वो चेंज होने लगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ ऑर्गेनाइज, मेंटल हेल्थ के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई उस टाइम, और DSM-1 भी पब्लिश हुई। DSM-1 मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये एक बुक थी जो कि अभी रिसेंटली इसका जो 5th एडिशन है वो चल रहा है, तो ये बुक जो है वो पब्लिश हुई। इस बुक के अंदर
बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है, मेंटल इलनेसेस जो है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस थी। उन बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया था अच्छे तरीके से। तो इससे भी कुछ कंसेप्ट जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में वो लोगों की चेंज हो रही थी इस बुक को पढ़ के। मेरी जेनी वार्ड पब्लिश द स्नेक पिट। मेरी जेनी वार्ड जो है उन्होंने क्या किया, ये भी एक राइटर थे और फिजिशियन थे, उन्होंने स्नेक पिट, ये भी एक बुक था इनका, वो उन्होंने पब्लिश किया, कॉल टू प्रोवाइड मोर ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ पेशेंट, जिसके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा इस बात पर एम्फेसिस की गई थी, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था, इस बात को कंसर्न दी गई थी कि जो मेंटली इल पेशेंट है, जितने भी मेंटली इल पेशेंट है, तो उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट की जाए, इंसानों जैसा सलूक उनके साथ किया जाए, उनको नहीं बांधा जाए, उनको जो है डेमन समझ के उन पे जुल्म जो है वो ना किया जाए, इस तरह जो है इस बुक के अंदर लिखा गया था। गवर्नमेंट पब्लिश्ड एसाइलम्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द निगलेक्ट एंड माइल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट या मेंटल हेल्थ पेशेंट। अब ये गॉफमैन जो थे, ये भी एक राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी एसाइलम्स के नाम से, इसके अंदर डिटेल से ये बात इस बात पर बहस किया गया था कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, मेंटली इल पेशेंट होते हैं, उनको किस तरीके से नेगलेक्ट किया जाता है और उनको सही तरीके से उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती। हिल्बर्टन एक्ट इज पास्ड फंडिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एजेंसीज। हिल्बर्टन एक्ट के नाम से एक एक्ट जो है वो उस टाइम एक एक्ट जो है वो सामने लाया गया हिल्बर्टन एक्ट के नाम से। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर उस टाइम जो अमेरिका थे, अमेरिका में एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1963 में, जॉन कैनेडे उसका नाम था, उसने भी एक जो है इसके अंदर ये जो हिल्बर्टन एक्ट जो है इसके अंदर एक और उसने एक्ट पेश किया जिसको नाम दिया गया CMHCA यानी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो उन्होंने उसको सामने लाया कि ये जो जितने भी पब्लिक सेंटर हॉस्पिटल थे उस टाइम, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उन एरियाज़ के, तो वहाँ पे इन पेशेंट्स की वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स भी हुआ करते थे और ये मेंटली इल पेशेंट्स, और वहाँ पे उस टाइम प्रिविलेंट थी मेंटल डिसऑर्डर्स, तो बहुत सारे पेशेंट जो है उन हॉस्पिटल्स पर बर्डन हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, हमने मेंटल हेल्थ सेंटर जो है वो इनके लिए बनानी है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो कि कम्युनिटी के अंदर हो। और उन्होंने कहा कि इससे डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी, ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है इनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होगी, और ये जो मेंटली इल पेशेंट्स है इनको सही तरीके का इलाज भी मिलेगा, और इन मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर, वहाँ पे इनकी लेंथी स्टे नहीं करवाई जाएगी जिस तरह एसाइलम्स में की जाती थी, वहाँ पे इनके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट और शॉर्ट स्टे इनकी की जाएगी, और वहाँ पे जितने भी फिजिशियंस नर्सेज जो भी होंगे तो उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो इन लोगों की, ये जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं, इन लोगों की जितना तेज़ी से हो सके, जितना जो है वो आसानी के साथ हो सके, उतना कोशिश करें कि इनको आसानी के साथ फिर रिहेबिलिटेशन इनकी करवाए और इनको इनके सोसाइटी में भेज दे, ताकि अपने सोसाइटी में ये सही तरीके से अपना लाइफ जो है वो दोबारा से एक नए अंदाज में ठीक हो के स्टार्ट करें, उनका ये कहना था। इसके अलावा इसी हिल्बर्टन एक्ट जो है इसके अंदर दो और एक्ट वहाँ पे उस टाइम जो है वो पास आउट की गई थी, एक SSI के नाम से और एक SSDI के नाम से। SSI जो है वो सोशल सिक्योरिटी इनकम, और SSDI जो है वो सप्लीमेंटल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इनकम। ये दो इनकम सिस्टम थे जिनके थ्रू क्या किया जाता था, जो जितने भी मेंटली इल पेशेंट थे उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये वजीफे जो है उनको दिए जाते थे इन दो एक्ट के थ्रू, ताकि वो अगर इंडिपेंडेंट रहे, खुद के अखराजात जो है वो उनके अखराजात अगर इन इनकम से निकल आए तो फिर उनको मेंटल डिस्ट्रेस जो है वो कम होगी। और
इसके अलावा उनका कहना था कि ये जो स्टेट हॉस्पिटल्स है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे 50-60% जो है वो यही मेंटली इल पेशेंट्स थे, तो इसीलिए इनको अगर कम्युनिटी सेंटर्स में अगर रखा जाए तो बर्डन जो है वो कम होगी और इनकी ट्रीटमेंट भी वहाँ अच्छे तरीके से होगी। तो इसीलिए ये एक्ट जो है ये पास की गई थी CMHCA का, यानी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट का, ये एक्ट पास किया गया था और इनके लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एक्ट ऑफ 1963, ये जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस है 1963 का, इसी के अंदर ये CMHCA की गई थी और ये जो हिल बार्टन एक्ट जो है इसके अंदर ये SSI और SSDI, ये जो टू इनकम सिस्टम है ये इसी के अंदर किए गए थे। 1970s में क्या हुआ था, 1970s जो है उसमें डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर, वही बात के डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई इन पेशेंट्स को। इन द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ कंस्टिट्यूट ए रेडिकल शिफ्ट इन सोशल पॉलिसी एंड द वे मेंटल हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ कि एक रेडिकल शिफ्ट आई उनकी जो सोशल पॉलिसी वगैरह थी उन सब में, और जो तरीके थे मेंटल हेल्थ केयर के उन सब में ये बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। रिप्लेस्ड इन पेशेंट हॉस्पिटल्स विद कम्युनिटी बेस्ड केयर डे ट्रीटमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। क्या किया उन्होंने, जितने भी इन पेशेंट हॉस्पिटल्स थे, ये जो एसाइलम्स वगैरह जहाँ पे लोगों को बहुत जो है वो लॉन्ग स्टे के लिए रखा जाता था, और दूसरे जो हॉस्पिटल्स है पब्लिक हॉस्पिटल्स वहाँ पे उनको जो रखा जाता था उससे शिफ्ट करके कम्युनिटी बेस्ड केयर उनको दी गई, उनकी डे ट्रीटमेंट की गई, और इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम्स भी उनको दिए गए। आउटरीच प्रोग्राम्स जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स इनके वेलफेयर के लिए किए गए, जिसमें इनको लर्निंग से रिलेटेड इनकी मदद की गई, सोशल प्लानिंग इनके लिए की गई, हेल्थ सपोर्ट इनको दिया गया, कंसीडर मोर ह्यूमेन एंड कॉस्ट इफेक्टिव, और इनको जो है बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रीटमेंट की दी गई जो कि ह्यूमेन हो, इंसानियत वाली सलूक हो, और इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनकी की जाती थी। इसी 20th century में जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी तो उसके बारे में लिखा है कि फोर्सेस दैट इनिशिएटेड शेप्ड द मूवमेंट, यानी कुछ ऐसे फोर्सेस थे जिनकी वजह से जो है ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हो सकी। तो उसके अंदर क्या था, मेडिकल ड्रग्स, मेडिकल कहा जाता है मुआजजाती, ये जो ड्रग्स थे इनको मुआजजाती ड्रग्स कहा गया, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और DTM है, इनको मेडिकल्स इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम क्या था स्टूडेंट्स, कोई भी जो है वो इन मेंटली इल पेशेंट्स के लिए कोई भी ड्रग जो है वो नहीं मिलती थी, ड्रग नहीं थे उस टाइम। 1950s के अंदर सिर्फ एक ही एंटीसाइकोटिक ड्रग था क्लोरप्रोमेजीन, उस टाइम डिस्कवर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1970s में आके फिर ये जो टू ड्रग है लिथियम और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये फिर स्टार्ट हुए, और जब ये ड्रग्स स्टार्ट हुए तो ये जो एग्रेसिवनेस थी, आहो पुकार थी उन मेंटली इल पेशेंट्स की, वो सब स्टॉप हुई। अब वो जो है बिल्कुल उनको इस तरह एग्रेसिवनेस आता था तो इन ड्रग्स की वजह से वो सुकून में रहते थे, क्लेम हो जाते थे, क्लेमिंग इफेक्ट इनका इन ड्रग्स का था, तो इसीलिए वो जो उन मेंटली इल पेशेंट की जो एग्रेसिवनेस थी, उनका वो जो तोल फोल करना, वो आहो पुकार करना, वो सारी चीज़ें इन ड्रग्स के आने के बाद ख़त्म हो गई। तो इसीलिए इन ड्रग्स को मुआजजाती ड्रग्स यानी मेडिकल ड्रग्स का नाम दिया गया, जिसमें क्लोरप्रोमेजीन है और इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और लिथियम है। एंटीसाइकोटिक टिपिकल रिड्यूस द सिम्टम्स दैट आर मोर सीवियर, यानी सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो है वो उनको रिड्यूस करती हैं। रिकन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ मेंटल इलनेस, अभी क्या किया गया इस दौर में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इन लोगों का ये कहना था कि अभी जो मेंटल इलनेस के लिए जितने भी कंसेप्ट पहले हुआ करते थे तो उनसे कुछ हट के रिकन्सेप्चुलाइजेशन की जाए। उन्होंने पावर ऑफ लेबलिंग की बात की, पावर ऑफ लेबलिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मेंटल इलनेस के अंदर लेबलिंग, असल में हम किसी की स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं तो उसे लेबलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को हम देखते हैं हमारे सोसाइटीज़ के अंदर ही कोई थोड़ा सा जो है वो अगर वहशी टाइप बच्चा होता है
थोड़ा जो है लाडला इस तरह का बच्चा होता है तो उसको हम कहते हैं कि वेशी है, या फिर हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि चोर है। तो इस तरह के जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं किसी की निशानदेही के लिए, तो वो उनको कहा जाता है लेबलिंग या स्टिग्मेटाइजेशन। तो यहाँ पे मेंटल इलनेस के अंदर जो लेबलिंग है वो भी इसी तरह का है कि हम किसी को अगर कैटेगराइजेशन अगर किसी की हम करते हैं, किसी इंडिविजुअल की, उसको किसी भी साइकियाट्रिक कंटेक्स में अगर हम देखें, तो अगर हम किसी भी बंदे की स्टिग्मा अगर हम उस पे लगा देते हैं, इसमें स्टिग्मेटाइजेशन जब हम करते हैं, तो फिर वो कहलाती है लेबलिंग। तो यहाँ पे इनका कहना था इस टाइम, यहाँ पे जो पावर ऑफ लेबलिंग की जो बात हुई, रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ मेंटल इलनेस के अंदर, तो इनका कहना ये था कि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं तो इनको मेंटली इल ना कहा जाए। ये जो मेंटली इल कहते हैं इसे इन्होंने लेबलिंग का नाम दिया और कहा कि कुछ ऐसे लोग जिनको अगर हम कहते हैं, उनको अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सिर्फ थोड़ा सा, यानी 10% अगर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो और हमने ये बात स्टार्ट की कि ये बंदा जो है वो पागल है, तो फिर उसको उस लेबलिंग की वजह से 50% मज़ीद उस बीमारी में वो मुब्तला हो सकता है, इनका ये कहना था। तो इसीलिए इन्होंने पावर ऑफ लेबलिंग पे बात की थी कि पावर लेबलिंग की कितनी पावर होती है। यानी इनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात जो है ये ख़त्म करनी चाहिए, इनको मेंटली इल नहीं कहना चाहिए, इनको एज ए होल लेना चाहिए, कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ का मेंबर इनको तसव्वुर करना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल हैज़र्ड्स, सोशियो कल्चरल आइसोलेशन, पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एडजस्टमेंट टू इंस्टीट्यूशन लीड टू पॉजिटिविटी एंड विदड्रावल। अब इन्होंने इंस्टीट्यूशनल हैज़र्ड के बारे में बताया था कि इनको जब अलग करके इंस्टीट्यूशंस में लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है तो इनको सोशियो कल्चरल आइसोलेशन इनकी होती है, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से इनको ये आइसोलेट हो जाते हैं, ये ख़ुद को पावरलेस समझते हैं, हेल्पलेस ख़ुद को समझते हैं, और इसके अलावा इनको या तो पासिविटी हो सकती है या तो विड्रावल हो सकती है। पासिविटी कहते हैं एपैथी को, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल जो है किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट ना हो, और जब एडजस्ट नहीं होते हैं उसके साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर ये विड्रावल भी कर सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, और पासिविटी इनको होती है अगर वहाँ पर रहे भी तो। विड्रावल इसमें एक और सेंस में भी हम देख सकते हैं कि किसी का हमें भी फिर हाथ नहीं लगाते, खुद को बिल्कुल जो है वो विड्रा कर देते हैं हर एक चीज़ से, और पासिविटी इनको होती है, इनको बिल्कुल जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होती। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्राम द स्टेट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो इन्होंने क्या किया था, जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थे तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट से लेके प्राइवेट और फेडरल गवर्नमेंट तक शिफ्ट कर दिया था। ट्वेंटी सेंचुरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड इट वर्क, यानी फीवर पेशेंट स्पेंड टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल्स। यहाँ पे कहा गया कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्यों किया गया, अगर किया गया तो इसने कोई काम किया या नहीं, इसके कोई फ़ायदा हुए या नहीं कि वो जो पब्लिक हॉस्पिटल से इनको निकाल के इनको अलग करके कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में रखा गया, तो उससे क्या हुआ। तो लिखा है कि फीवर पेशेंट स्पेंड टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल। अब जो इन पेशेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे इतना ज़्यादा पेशेंट जो है वो नहीं बचे, वहाँ पे पेशेंट्स कम होने लगे। पेशेंट स्पेंड लेस टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है ये कम वक्त गुजारते थे। मोर पेशेंट आर री हॉस्पिटलाइज, और ज़्यादातर पेशेंट जो है वो री हॉस्पिटलाइज होते थे, यानी अब शॉर्ट टाइम में उनको फारिग कर देते थे, उनको वहाँ पे लेंथी स्टे के लिए नहीं रखा जाता था, लेकिन फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उनको री हॉस्पिटलाइज कर देते थे, दोबारा वहाँ पे एडमिट कर देते थे, और उनकी जितना भी उनको केयर प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड करके उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती थी। तो ये अच्छी बात थी। अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, वीर आर दे इंस्टीट्यूट, अगर ये नहीं होता, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होता और इनको कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ सेंटर्स नहीं मिलती, तो फिर ये कहाँ जाते, ये होमलेस हो जाते, और ये या तो नर्सिंग होम्स में होते, या तो ग्रुप होम्स में होते, या फिर जेल में होते। यानी
बहुत सारे अलग अलग जगहों में इनको रखा जाता था। ये ग्रुप होम्स जो है ये असाइलम्स ही की बात है कि उनको असाइलम्स में रखा जाता या नर्सिंग होम्स उनके लिए बनाए जाते इस तरह बागेलखाने टाइप, तो उसमें रखा जाता या तो उनको जेल में रखा जाता या बिल्कुल उनको होमलेस जो है वो छोड़ दिया जाता अगर इस तरह के मेंटल हेल्थ सेंटर्स उनके लिए नहीं बनते। फोकस ऑन मेडिकेशन, मोर स्टिग्मा देन फिजिकल इलनेस, लिटिल इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नॉट इन माई बैकयार्ड, लिटिल जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म हाउसिंग एक्सेट्रा, डी इंस्टलाइजेशन पेड मोर अटेंशन टू नेगेटिव राइट्स देन पॉजिटिव राइट्स। अब यहाँ पे बात आती है कि डी इंस्टलाइजेशन जो थी, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को जो बताया कि डी इंस्टलाइजेशन इसने कैसा काम किया, इसके क्या क्या रोल थे, तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि इन पेशेंट हॉस्पिटल्स में इसकी टाइम ये लोग कम स्पेंड किया करते थे पेशेंट, इसके अलावा रीहॉस्पिटलाइजेशन इनकी करवा देते थे, इसी तरह इनको फ़ायदा हुआ था। लेकिन कुछ जो है इसके भी कमोबेशियाँ थी जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स इनके लिए बनाए गए थे उनके भी कुछ कमोबेशियाँ थी, तो वाई नॉट यानी क्यों ये नहीं होना चाहिए था, तो उनमें मतलब ये कि इसमें क्या क्या जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो फिर फोकस ऑन मेडिकेशन, इनका जो है मेडिकेशन पे ये लोग जो है फोकस करते थे, इसके अलावा फिजिकल इलनेस से ज़्यादा जो है स्टिग्मा इन पे लगता था, मेंटली जो है इल पेशेंट है तो इन पे जो फिजिकल इलनेस होती है उससे ज़्यादा स्टिग्मा लगता था। लिटिल इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ, अभी अगर सोशल सपोर्ट और इकोनॉमिक अगर सपोर्ट को भी देखा जाए तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट दिया जाता था। नॉट इन माई बैकयार्ड, लिटिल जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म हाउसिंग एक्सेट्रा, और जो एन बेस एंड रूम है नॉट इन माई बैकयार्ड वो भी स्टार्ट हुआ, ये जहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स थे ये भी कुछ कम्युनिटीज़ ने इनको भी एक्सेप्ट नहीं किया, कम्युनिटीज़ के साइड पे बनाए जाते थे तो कम्युनिटी वालों ने कहा कि ये हमारे करीब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट जो थी वो कम होती थी, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म हाउसिंग इनको मिल जाता था, ये शॉर्ट टर्म हाउसिंग था, इनको लेंथी स्टे यहाँ पे नहीं करवाई जाती थी। डी इंस्टलाइजेशन पेड मोर अटेंशन टू नेगेटिव राइट्स देन पॉजिटिव राइट्स, अभी इसकी एक और खामी ये थी कि जो नेगेटिव राइट्स है उन पे ज़्यादा अटेंशन था इन लोगों का, और जो पॉजिटिव राइट्स है इन पेशेंट के उन पे इतना ज़्यादा इनका फोकस नहीं था। नेगेटिव राइट्स क्या थे, ये लोग कहते थे कि मेंटली इल पेशेंट के लिए ऑटोनोमी होनी चाहिए, उनके चॉइस को हमने देखना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक, उनको ऐसा इकोनॉमिक उनको हेल्प दिया जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट महसूस करें, और उनके जो पॉजिटिव राइट थे जिस तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स के, उनके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सोसाइटी है वहाँ पे उनको जाना है तो उसके लिए ये इतना ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते थे, उनके उनको इस तरह एजुकेट करने में, साइको एजुकेशन उनको देने में उस पे ध्यान नहीं देते थे, उनकी कोई जॉब ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे उनके लिए, लिटिल जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का यही है कि उनको कोई जॉब ट्रेनिंग या जॉब प्लेसमेंट उनकी नहीं कराते थे, उनको बस वो कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ सेंटर जो थे वहाँ पे वो होते थे, वहाँ से जाते थे। तो यानी इसका टोटल मकसद जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि उस टाइम जो पहले असाइलम्स का दौर था तो असाइलम्स में तो बिल्कुल जो है वो उन पे उनके रिहेबिलिटेशन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता था। जब ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज जब स्टार्ट हुए, कम्युनिटी में ये मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए तो उसमें थोड़ा बहुत था ये बात कि उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए, उनकी शॉर्ट स्टे किया जाए, लॉन्ग स्टे उनको ना रखा जाए लॉन्ग स्टे पे, लेकिन फिर भी जो है उनके रिहेबिलिटेशन पे इतना ज़्यादा वर्क इस टाइम भी नहीं हुआ था जो कि होना चाहिए था। अच्छा स्टूडेंट्स, कंटेम्पोररी व्यूज़ एटियोलॉजी, अब कंटेम्पोररी व्यूज़ उस टाइम कंटेम्पोररी यानी कंटेम्पोररी व्यूज़ इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आज तक चलते आ रहे हैं, यानी उस ज़माने में कुछ ऐसे ख्याल थे कुछ साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के जो आज तक चलते आ रहे हैं, तो उनको कंटेम्पोररी व्यूज़ का नाम दिया गया है, जिसमें
साइको एनालिटिक थॉट की बात है, फ्रूइड ने जो थॉट पेश की थी साइको एनालिसिस वाली, जो मैंने आप लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई थी, वही साइको एनालिटिक थ्योरी के जिसके अंदर फ्रूइड जो के फादर ऑफ साइकोलॉजी जिनको कहा जाता था, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने किया था। जो उनका टोपोग्राफिकल थ्योरी था तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक इंसान जो है उसके माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने कहा था कि आइसबर्ग का एक आइसबर्ग है और इस आइसबर्ग का जो टिप है जो पानी के बाहर नज़र आता है तो वो कॉन्शियस माइंड है, जो कि सिर्फ हमारे पर्सनैलिटी का 10% है, और जो बाकी का 90% है, रेस्ट ऑफ 90% है, वो उस वाटर के अंदर बरीड है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मौजूद हैं। और उनका ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये जो बरीड है वाटर के अंदर जो हिस्सा है, तो उसका ज़्यादा रोल है हमारे लाइफ पे। उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं, जैसे कि हमें कोई फेल्यूर हो गई लाइफ के किसी मोमेंट में जाके, कोई फ्रस्ट्रेशन हो गए, हम मायूस हो गए, हमें किसी चीज़ से डर लगा, कोई डर हमारी थी, तो ये सारी चीज़ें जाके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एकोमोडेट हो जाती हैं, वहाँ पर जमा हो जाती हैं, और इसी इन्हीं फ्रस्ट्रेशंस और फेलियर वगैरह इनके वहाँ पे जमा होने की वजह से ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड में जाके ये मेंटल इलनेस का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तो ये फ्रूइड का कहना था, इसीलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मेंटल कैथारसिस किया जाए, ताकि कैथारसिस कहते हैं, कैथारसिस में क्या होता है कि हम वहाँ अपनी सारी जो है इमोशंस जो है वो हमारी रिलीज़ हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैथारसिस किया जाए तो फिर ये जो जितने भी हमारे इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अकोमोडेटेड जितने भी हमारे इमोशंस हैं, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, ये जो है इनके बारे में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, इनको बाहर निकालने की कोशिश करें, तो इस तरह ये हमारे जहन से ख़त्म हो सकती हैं। अगर हमने कैथारसिस नहीं किया तो ये जमा रहेंगी और ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ में जाके ये मेंटल इलनेस का शक्ल अख्तियार कर लेंगी, फ्रूइड का ये कहना था। इसके अलावा स्कैनर और पेवलो की बात आती है। बीएफ स्कैनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और पेवलो ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो बात की थी, उनका जिक्र आता है कि उन्होंने कॉग्निटिव और बिहेवियरल लेवल जो है उस पे काम किया था, कॉग्निटिव और बिहेवियरल थ्योरी उन्होंने पेश किया था। उन्होंने क्या कहा था, मल एडाप्टिव कॉग्निशंस एंड बिहेवियर्स आर डिवेलप्ड एंड मेंटेन थ्रू लर्निंग एंड कंडीशनिंग। उन्होंने कहा था कि ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इनके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि लोगों के जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको रिमूव करके हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम इस तरह कर सकते हैं कि उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें, उनको जो है पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाए। यही कहना था इनका कि जितने भी बिहेवियर्स और मैलएडाप्टिव कॉग्निशंस हैं तो उनको डिवेलप किया जा सकता है लर्निंग के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू उनको मेंटेन रखा जा सकता है। तो ये जो बातें थी, फ्रूइड की जो बातें थी ये, और जो बीएफ स्कैनर और पेवलो की जो बातें थी, तो ये ऐसे बातें थी, ऐसे ख्यालात थे उनके जो कि आज तक जो है वो चलते आ रहे हैं, इसीलिए कंटेम्पररी व्यूज़ के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेन पैथोलॉजी पे कुछ साइंटिस्ट ने बात की थी, ब्रेन पैथोलॉजी के सिफिलिस वाज फाउंड टू कास्ट पैरालिसिस एंड इंसैनिटी। क्या कहा था कि जो सिफिलिस है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये कह रहे थे यहाँ पे एक ख्याल ये भी था कि इसकी वजह से पैरालिसिस भी होता है और इंसैनिटी भी होती है। इंसैनिटी कहते हैं पागलपन को, तो ये इस तरह होता है कि सिफिलिस में इस तरह होता है, ये सही बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इफ़ेक्ट होती हैं तो नर्व्स इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस और दिमागी हालत जो है उस बंदे की ठीक नहीं रहती। तो ये भी एक ऐसी व्यू है जो कि आज तक चलती आ रही हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल के बारे में जो बातें बताई गई थी उस टाइम, तो ये भी चलती आ रही है, ये भी एक उनका करेक्ट कंसेप्ट था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। जैसा कि अभी मेजर डिप्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि मेजर डिप्रेशन तब होती है जब सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सीवियर डिफिशेंसी हो जाती है, तो उस टाइम बंदा जो है वो मेजर डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया के बारे में, शिज़ोफ्रेनिया जो है उसके बारे में आप लोगों को पता है कि जब वहाँ पर डोपामिन लेवल इंक्रीज़ होती है तो फिर बंदा जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में चला जाता है।
तो ये भी ठीक थी। इसके बाद हिपोक्रेटिस ने 462-377 BC के अंदर ये बात कही थी कि ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जाहिर सी बात है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर है और मेंटल डिसऑर्डर जो है वो ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से होती हैं। ये बात भी आज तक चलती आ रही है। इसके अलावा डायटीसिस स्ट्रेस मॉडल ये सजेस्ट करती हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो तब पैदा होते हैं जब एक इंसान वल्नरेबल हो, और वल्नरेबिलिटी के साथ साथ अगर स्ट्रेसफुल इवेंट्स उसके लाइफ में आ जाए तो फिर वो शख्स जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। यानी किसी ना किसी लिहाज से अगर वो वल्नरेबल हो, पहले से कमज़ोर हो, उसमें वल्नरेबिलिटी हो, और फिर अगर उसके लाइफ में ऐसे कंडीशन आ गए जो कि स्ट्रेसफुल हो गए उसके लिए, तो फिर वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उसके फैमिली हिस्ट्री है उसका डिप्रेशन का, उसके फैमिली में डिप्रेशन जो है वो चलता आ रहा है, तो फिर जनरली वो बच्चा जो है मोर वल्नरेबल होगा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से, कि उस पे अगर कोई स्ट्रेस आ गई और दूसरे बच्चों पे भी स्ट्रेस आ गई तो दूसरे बच्चों की बनस्बत वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उसको फैमिली हिस्ट्री है, ये उसकी एक वल्नरेबिलिटी है, तो उसको अब मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यही बात डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर थी। उस टाइम डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल जो है 1960s में बताई गई थी और ये अब तक चलती आ रही है, एक कंटेम्प्रेरी व्यू है। इसके अलावा जेनेटिक्स पे बात हुई थी कि जेनेटिक्स हेरिटेबिलिटी जो है मेंटल इलनेस हेरिटेबल है, ये फैमिली में रन करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फैमिली में हो तो फैमिली के हर एक फ़र्द को हो, कुछ उसके मेंटल जो इवेंट्स होते हैं वो उनका भी इफ़ेक्ट होता है, तो फैमिली में रन करती हैं। शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, तो स्टूडेंट्स कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लोगों के एक जैसे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको मेंटल इलनेस में मुबतला कर सकती हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनके इंडिविजुअल होते हैं, यानी हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं जिनकी वजह से वो मेंटल इलनेस को प्रेडिस्पोज हो सकते हैं। तो उनमें शेयर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस दैट पीपल विद सिमिलर जेनेटिक्स शेयर, यानी सिमिलर जेनेटिक्स के जो लोग होते हैं तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस भी एक जैसे होते हैं, जैसा कि SES है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका एक होता है, एजुकेशन भी वो एक किस्म का हासिल करते हैं, रिलीजन भी उनका सेम होता है, तो मे बी उनको इन तीन चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ की वजह से जो है वो मेंटल डिसऑर्डर, कोई ना कोई इनमें ऐसा कोई मसला हो सकता है, उनको कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हो, तो उसकी वजह से वो मेंटल इलनेस में मुबतला हो सकते हैं। और नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दैट आर इंडिविजुअल, जो कि शेयर नहीं होते किसी के साथ, इंडिविजुअल होते हैं, तो ये हर एक का पीर इंटरेक्शन है, यानी हर एक का पीर इंटरेक्शन, उनके दोस्तों के साथ किस तरीके का उनका इंटरेक्शन होता है, वो किसी डिजीज़ में मुबतला है तो डिजीज़ में अगर वो मुबतला है तो इंडिविजुअली किसी को किसी डिजीज़ की वजह से वो वल्नरेबल हो गया है कि उसको अब मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकती हैं। एक्सपोजर टू हारमोन्स आर टॉक्सिन्स एक्सेट्रा, किसी हारमोन्स को किसी टॉक्सिन्स को वो एक्सपोज हो गया है जिसकी वजह से वो अब वल्नरेबल है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर हो सकती है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो प्रिडिस्पोज हो जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आपका आप लोगों का जो ये लेक्चर है, लेक्चर वन, जो कि आप लोगों की यूनिट वन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस का ऑब्जेक्टिव नंबर वन था, हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसे मैंने लेक्चर वन का नाम दिया है। 4 पार्ट्स में ये कवर हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों का जो सेकेंड, इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे होगा, जो कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 पाकिस्तान पे है, उस पर फिर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को कोई दूसरा लेक्चर पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।